नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज वीकेंड है एंड हम निकल पड़े हैं घूमने। इस ट्रिप पे मैं अपने वाइफ को लेके जा रहा हूँ एंड साथ में दो दोस्त भी है। दो दिन का ट्रिप होने वाला है, चलिए चलते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। बिफोर डाइविंग डीप इन टू द वीडियो, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, योर सपोर्ट इज वॉट आई नीड द मोस्ट। Today we are going to visit Panchalingeshwar temple. So basically we have came from Bhubaneswar to visit many places of Balasore. So Balasore is around 200 kilometers from Bhubaneswar, and we have started our morning 8 o'clock and almost we have reached Panchalingeshwar temple. It's a Shiva temple, I believe. Let's see. पार्किंग दे इटू चली गिना जीवा ऊपर उठो जोता ऊपर रखे अपने सुविधा छे। यहाँ पर भगवान जी का पूजा चल रहा है और जो गुफा है जिसके अंदर भगवान जी है, शिव उनका शिवलिंग है, वो यहाँ पर लाइन लगा के लोग जा रहे हैं ना, उसी के अंदर है। अभी धूप के कारण पानी थोड़ा कम हो गया है, जितना पानी होता था उससे थोड़ा कम हो गया है। सो माना जाता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो पानी के अंदर, भगवान वहाँ पर दिखते नहीं, वो पानी के अंदर पूरा सबमर्ज्ड है। तो माना जाता है कि अगर जो लोग हाथ मतलब नीचे पानी में डाल के पांच भगवान का शिवलिंग को ढूंढ पाते हैं तो उनको भगवान जी का आशीर्वाद होता है। तो हम हर कोई यहाँ पे कोशिश करता है कि वो पांच शिवलिंग को हाथ से छूने के लिए पानी के अंदर। तो हमने गाड़ी पार्किंग में रख दिया है। पार्किंग से मंदिर का गेट तक 500 मीटर का डिस्टेंस है, वो चल के आना पड़ेगा, वहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चल मतलब चढ़ के आना पड़ेगा, उतना भी ज़्यादा नहीं है, सो यू कैन डू इट। और अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो इसीलिए पसीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। आगे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर जूते रखने के लिए स्टैंड है ऑलरेडी, 5 रुपये लेते हैं जूते रखने के लिए। गेट का टिकट है 5 रुपीज़ एंड पार्किंग का टिकट कितना, 35 पार्किंग का टिकट 35 था, नहीं 5 रुपये लिखा हुआ था। तो उसके ऊपर कुछ लोगों के बचपन याद आ जाए। ऊपर पहुंच के आप अपना जूता रख सकते हैं स्टैंड पे।
फिर उसके बाद आप जाएंगे तो नीचे थोड़ा मतलब जो भगवान जी का मंदिर है वहाँ पे दो शिवलिंग है, वहाँ पे पूजा करेंगे आप। तो वहाँ पे पूजा करने के बाद वहाँ पे दीप जलाए और एंड अगरबत्ती जलाए, और वहाँ के आसपास और भी दो मंदिर है, जैसे भगवान हनुमान जी का मंदिर है और राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। फिर वहाँ से नीचे उतर के आने के टाइम पे आपको थोड़े बहुत दुकान मिलेंगे जहाँ पे यू कैन बाय सम सोवनियर्स। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के खिलौने भी जैसे हैं, सो आप वो चीज़ें वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नीलगिरी जगन्नाथ टेम्पल है, पंचलिंगेश्वर टेम्पल से 10 किलोमीटर दूर है। अभी तो मंदिर बंद है दोपहर होने की वजह से। उसके बगल में ही नीलगिरी राजावाटी है, अभी भी वहाँ पर राजा के फैमिली मेंबर्स रहते हैं, सो कुछ पार्ट्स पब्लिक के लिए ओपन है और कुछ बंद है। यहाँ से राजावाटी घूमने के बाद हम निकल पड़े इमामी जगन्नाथ टेम्पल, जो करीब करीब यहाँ से 13 किलोमीटर है। मंदिर का दरवाज़ा खुल चुका है, तो सारे भक्त अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। इमामी जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम निकले खिरोचूरा गोपीनाथ टेम्पल जाने के लिए। रोड कुछ सिमिलर सा था। गोपीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने रिजॉर्ट की ओर, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था। रिजॉर्ट का रास्ता बहुत ख़राब था, पर शाम से पहले ही पहुँच गए। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी ऑल द एडवेंचर्स। स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।